कुरल काव्य में 88वें परिच्छेद में शत्रु के साथ व्यवहार की व्याख्या कर रहे हैं। जिसके पास कोई सहयोगी नहीं है, भुक्तत्व भाव है, जीव की एक इच्छा आदत लाचार था, भुक्तत्व भाव तो यहां पर समझा रहे हैं। यदि आपको शत्रुओं को मित्र बनाने की कुशलता है तो आपका राज्य स्थिर रहेगा, विभूति स्थिर रहेगी। यदि आपके अंदर शत्रु को मित्र बनाने की क्षमता नहीं है तो आपका विनाश हो जाएगा। एक साथ कई सम्राटों से युद्ध नहीं होता, चारों ओर से घिर जाओगे तो तुम्हारी हार होना नियत है। इसलिए ज्ञानी जन संधि कार्य करने के लिए कुशल होते हैं। संधि कार्य कर लिया और तीन से संधि कर ली, एक अपने आप परास्त हो जाएगा। संकल्पोपि शत्रुवा सका चे प्रागमे प्रतिवेशिने कर्तव्यो मध्यस्थित वृत्तता। संकल्प शत्रु वा संकल्प होने पर भी शत्रुवा सकाचे प्रागम, आप जो है ना अपने पड़ोसी को या तो शत्रु बनाने का संकल्प किए हो या मित्र बनाने का, कोई आपने संकल्प किया है मैं अपने पड़ोसी को मित्र बनाता हूँ अथवा मैं अपने पड़ोसी को शत्रु बनाता हूँ। सुनिए ध्यान से, इसमें पंडित सागरी विषय समझ में नहीं आ रहा आदमी को, लेकिन एक इसके अंदर गुण रहस्य भर दिया गया है और इतना गुण रहस्य भर के रखा हुआ है कि एकदम देखोगे तो आपको देखेगा कितनी स्वार्थ वृत्ति है, और नीति से देखेंगे तो देखेंगे कितनी चतुर्वृत्ति है। वो ब्रादकम कथम मंत्री वाला सूत्र भी लगेगा कि एक ना अपने पड़ोस मित्र या शत्रु ने कुछ भी निश्चय कर रखा हो आपने तो संकल्पोपी, कोई संकल्प किया शत्रु वा सखा, शत्रु अथवा सखा चाहिए हो, इस प्रकार से पराग में प्रतिवेश हो न कर्तव्य हो। यदि उसके बीच में देखो ना, इधर उसके बीच में कोई दूसरे ने उस पर आक्रमण कर दिया है, जिसे तुम शत्रु बनाना चाहते थे अथवा जिसे मित्र बनाना चाहते थे, उस पर आक्रमण कर दिया तो आपको शांत हो जाना चाहिए। मध्यस्थम हितवृत्तता, अपना हित चाहते हो तो उसके ऊपर न शत्रुता का व्यवहार करो न मित्रता का व्यवहार करो। बोले क्यों, समझ गए क्या? समझ गए क्या? बिल्कुल नहीं, मध्यस्थ हितवृत्ति नहीं, मध्यस्थ। अब ये क्यों कहा, इनको आप मित्र बनाना चाह रहे थे ठीक, इनने आक्रमण कर दिया, आप चलो आप उत्तम पुरुष ठीक है, मध्यम पुरुष से आप मित्रता बना रहे थे, अन्य पुरुष ने आक्रमण किया तो फिर आपको इनसे मध्यस्थ हो जाना चाहिए। अब कितना गुण रेस खोल दिया, यदि आपने इनके चढ़ाई करने पर इनसे मित्रता की तो ये अन्य पुरुष क्या कहेगा, ये उत्तम पुरुष जो है ना ये भी इनका मित्र है तो मेरा ये भी मेरा शत्रु, तो भाई चढ़ाई कर देगा उसमें। अभी भारत ने क्या किया,
लोगों ने बहुत चुनाव किए, रूस वालों ने बहुत प्रेशर डाला, चीन वालों ने बहुत प्रेशर डाला, बोले आप ऐसा करो वहीं हो जाओ ना, ये हमारे साथ खुल के आ जाओ। भारत ने कुछ भी नहीं बोला, ये सूत्र काम किया। यदि हम वो तो चाहता कि आप वहाँ का बोल दो, सो हम तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर दे रहे, तुम हमारे शत्रु के लिए, यदि हमारे शत्रु के तुम मित्र हो तो मतलब हमारे शत्रु। ये विषय सारे लोगों को समझ में आना चाहिए। यदि हमने आपको संग निसंग साहब पर डांट पड़ी आज, तो ये तीन सारे कर्तव्य है कि बिल्कुल दूर रहें आज उनसे। जब डांट पड़ रही है और तभी तुम उनसे मिलकर बातें करने पहुंचे, इसका मतलब मित्र नहीं, आप उनको बढ़ावा दे रहे हो, समर्थ उसको सामर्थ बढ़ा रहे हो। ये नीति है, समझे ना। यदि इन महात्मा जी डांट पड़ती है और दूसरे महात्मा चेहरा बनाते हैं अथवा उनको पास में बिठा कर गले लगा रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे हाँ पूरा हाथ नहीं का है। वो उपद्रव करते जरूर दिखता दूसरा, लेकिन उपद्रव कराने वाला कोई दूसरा ही है। इसलिए उन्होंने ये कहा है। अब माना कि सुनो, तुम शत्रुता करने वाले थे पड़ोसी से और किसी अन्य ने ट्राई कर दी, तब भी तुमको मध्यस्थ होना चाहिए। बोले भाई अब तुम क्यों व्यर्थ के शत्रु बनना चाह रहे हो, उसके तो बेचारे वैसे ही नाश हो चुका है। नीति सीखो, जो नीति नहीं जानते ना, वे अच्छे काम करने के बाद भी अपेस को प्राप्त होते हैं। आप पहुंच गए तुरंत ही, जैसे गुरु ने डांटा किसी को तुरंत पहुंच गए योग्य सागर। अरे कछु नहीं, वो तो आचा श्री तो कहते रहते हैं, तुम टेंशन मत लो, अपन को वही करना जो करना है, बस तुम गुरु के भी शत्रु हो उस आदमी के भी शत्रु हो। दोनों को शत्रु ठहरे, गुरु के इसलिए शत्रु हो तुमने उसकी शक्ति बढ़ाकर अनुसार उस घबराता ना तो तुमने उसको सुधरने नहीं दिया, उसके लिए इसलिए शत्रु हो तुमने उसको गुरु से दूर कर लिया, उसकी अश्रद्धा बढ़ी गुरु के प्रति। बोले ये योग्य सागर हमारे मित्र ठहरे, ये अनुभव करो आप। संसार में यही हो रहा है, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति तुरंत पहुंच जाएगा अपना बनाने के लिए। आप देख रहे देश की राजनीति को, या किसी से न लेन न देन, दूसरी पार्टी गिराने के लिए विरोधी पार्टी आज तुरंत वहाँ पहले पहुँचेंगे सांत्वना दिलाने के लिए, जिससे कि लोग ये समझें कि ये हमारे तेजी वो लोग नहीं है। तो वहाँ पर तो आप परिस्थिति ये देखो, स्वामी की आंखें किशोर हैं, बाईवत जीना सीखो आप, ध्वजा के समान जीना सीखो, ध्वजा के समान जीने सीखो। इस विषय में वायु जिस ओर बहती है ध्वजा उस ओर चलने लगती है, इसे उखड़ के नहीं गिरेगी फिर। तो जहां राजा की दृष्टि है भक्त वैसा देखने शुरू कर दें, जहां गुरु की दृष्टि है शिष्य वैसा देखें, तो तुम कभी दूर नहीं हो पाओगे। बहुत गहरी नीति है, समझ में आया। सामान्य रूप से वो श्लोक सामान दिख रहा था, अंदर जाके देखो तब आपको कितना गहरा दिखाई दिया, मतलब आपकी हित कितना बड़ा गहरा हित कर दिया कि जब शत्रु तुम्हारे मित्र पर कोई शत्रु आक्रमण कर रहा है और तुम उस समय मित्रता दिखाने जाओगे, तो कभी कभी ये होता है आप यदि सबल ज़्यादा हो तो शत्रु सबसे तुम्हें ही पहले पकड़ेगा। हो ही रहा ना देशों में आज, यूक्रेन युद्ध चल रहा रूस का, वो एक देश का अब युद्ध नहीं बचा। जो सहयोग कर रहे हैं ना सामने वाला, उसको भी अपना शत्रु मान रहा है। इसलिए प्रज्ञा का प्रयोग करना चाहिए, मित्र की मित्रता शत्रु की शत्रुता विवेकहीनता से करोगे तो आपका ही विनाश होगा। विवेकहीन मित्रता विवेकहीन शत्रुता विनाश का हेतु है।